रक्षा आ गए बाहर। चल चल अंदर बैठ। चलो भैया नुमान बाहर आ। आंटी तू आंटी किधर लेकर जा रही हैं इसे? क्यों रोका रिक्शा? क्यों आए हमारे पीछे? खुदा के लिए ये जुल्म ना करो आंटी। चला जा मैं के। हट यहाँ से। चलाओ रिक्शा। आंटी, 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 आंटी! उड़ा दे हर आदमी को। बाहर। अभी तक हमारे हिसाब से तुम चार जनाजा इधर लाया और तुम्हारे लाए हुए किसी भी जनाजे को जो है ना हमें खुद नहीं पता हमने कहाँ डाला है। पहली बात तो ये है यहाँ पुलिस आता ही नहीं, अगर आएगा तो नया कब्र ढूंढेगा ना, पुराने में क्या करेगा। देखो बात सुनो, खड़े हो जाए इधर और तुम देखो कि तुम्हें यहाँ किस कब्र पर शक है। अरे 3 महीना पहले जो तुम जनाजा लाया था ना इधर ही किसी कब्र में डाला है। हमको खुद नहीं पता हमने किसको कहाँ डाला, तुम्हें काक पता होगा। ये बाजी ने 50 भिजवाए तुम्हारे लिए।
भाजी को बोलो 50 कम है, शक्ति बहुत हो गई, अब 70 से कम में काम नहीं होगा। भाजी बहुत मेहरबान है तुझ पर, वरना कब्रिस्तान भी कम नहीं है और काम करने वाले भी। हाँ पता है पता है। चल मैं अब चलता हूँ। कहाँ? अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़नी है, फिर पहुँचना भी। की कब्र कहाँ है? इधर इधर। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर हो गई आप दोनों को आए हुए? एक घंटा हो गया। आप बाजी हो? नहीं, मैं बाजी की असिस्टेंट हूँ नाजू। बाजी शाह की नमाज से फारिग होकर आती हैं, जब तक तैयारी कर लेती हूँ। कौन है आप दोनों में से? हाय तौबा, तो आप इसकी कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। ये लो, पी लो। कुछ खा पी कर तो नहीं आई हो? नहीं, मैंने सिवाय पानी के रात से इसको कुछ खाने को नहीं दिया। चलो शाबाश, ये पी लो। एक घंटे में फारिग होकर घर चली जाओगी। वैसे ये बताएं कितने हफ्ते ऊपर हो चुके हैं? पता नहीं, मुँह से तो कुछ भी नहीं बोलती। मुँह से नहीं बोलेगी तो जान से जाएगी। जो पूछा है बताओ, कितने हफ्ते ऊपर हो चुके हैं? ओ बीबी, यहाँ पर हम बच्चे गिराते हैं, लाड नहीं उठाते। जो पूछा है वो बताओ और अपनी भी जान छोड़ो, हमारी जान भी छोड़ो, वरना इज्जत के जनाजे के साथ साथ इसका जनाजा भी उठाना पड़ेगा। चौदह हफ्ते? ये तो 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। अब तो आप परेशान ना हो, हमारे पास ऐसे ही केसेस आते हैं जिनका टाइम ऊपर हो जाता है, डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर देते हैं। आप तो बच्चे वाली हैं, आपको तो पता ही है ना इन सब बातों का। पता है, अगर ये मर भी गई तो हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलते। इज्जत की हिफाजत बंदे का काम है और जान की हिफाजत ऊपर वाला करता है। नाजो जी, इसको और सोल्यूशन पहला। आधे घंटे में फारिग हो जाएगी, आप आराम से बैठो और दुआ करो। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। जल्दी से पकड़ और पी। अम्मा, अनवर मुझसे शादी कर लेगा, खुदा के लिए मुझ पे ये जुल्म मत कर, मैं मर जाऊंगी। मरना तो तुझे है, ऐसे ना सही तो वैसे सही। काश तुझे इज्जत की मौत नसीब होती। पकड़ पी। पी, मैं कह रही हूं। टोटली ब्रोक राइट नाउ। मामा से पहले ही बहुत एक्स्ट्रा पैसे मांग चुकी हूँ। अब अगर मैंने और पैसे मांगे ना तो मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी, मैं बता रही हूँ। क्या हुआ अनवर?
अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। ओके। 30, 40, 50। तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है भाई? मैं खुद चला जाता और देख लेता जो कुछ हो सकता। अल्लाह का वास्ता है राजा, दोस्त है वो। Why do I need to remind you that? पागल का बच्चा है, खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। अबे यार, कसाई की बेटी से तो टार्सन भी इश्क करने से पहले 100 बार सोचे। अगर एक्सीडेंट से नहीं मरा ना तो सुंगुल का बाप इसकी हलीम बनाकर हम सबको खिलवाएगा। बकवास बंद करो तुम, और ड्राइव करने तो ठुक जाएगी। ओ भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अगर कफन दफन करना हो ना तो खुद ही कहीं पे खड़े होकर चंदा वंदा इकट्ठा कर लेना। लड़की को तो चंदा फिर भी मिल जाएगा, मेरी शक्ल पे तो कोई थूकेगा भी नहीं। अच्छा, और तुम्हारा बाप, वो जो हराम कमाते हैं वो कहाँ डालते हैं? कुएं खुदवाते हैं। कुएं? हराम को हलाल करके फिर खाते। अबे जल्दी चला लो अब। चला तो रही हूँ, अंधे हो क्या? उल्टी उल्टी आ रही है मुझे। अरे अरे यहाँ उल्टी ना करना। हो गए 2 घंटे जाया। कहा था घर से खाके कुछ ना आना, लेकिन ये वाम मरे जिए कुछ भी हो थूसेगी जरूर। हाँ, कितनी बदबू है तुम्हारी उल्टी में। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? क्या नाम है? जरीना। जरीना, जरीना, आओ अपनी बेटी की उल्टी साफ करो, गंद भर के रखा हुआ यहाँ पर। एक तो अबे तो शक्ल से तो इतना आराम ही नहीं दिखता, मतलब तूने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, लाइक सीरियसली? अबे बोल ना, अब क्या करेगा? राजा, उसकी अम्मा उसको रक्षे में बिठा के कहीं ले जा रही थी। मैंने कोशिश की कि उनको किसी तरीके से रोक लूं, लेकिन मुझे पीछे से उसकी गाड़ी ने हिट कर दिया। और रोक के करते क्या? मिन्नत समाजत करता उनकी, और क्या करता? ओ भाई, हम भी तुझसे मिन्नत कर रहे हैं, खुदा के वास्ते भाग जा। जिस गाड़ी ने तुझे मारा है ना, आई एम श्योर वो सुंबुल के बाप की गाड़ी होगी। तो मरेगा, हमें भी कुत्ते की मौत मरवाएगा। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। तुम लोग के समझ क्यों नहीं आ रही है बात? आई रियली लव हर। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर यार। पागल हो सुंबुल, सुंबुल उठो, उठो, तुम्हें यहाँ लेटना है। मैं मर जाऊंगी, मेरी अम्मा को बुला दो। ओहो, अम्मा की याद आ रही है? जब मजे ले रही थी उस वक्त अम्मा की याद नहीं आई थी? अब उठो, ऑपरेशन करना है, टाइम नहीं है ज़्यादा, उठो। सुंबुल, हिम्मत से काम लो। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जान की इतनी फिक्र होती ना, तो वो तुम्हारी फरियादें बहुत पहले सुन लेती। उठो, अब मुझे ऑपरेशन की तैयारी करवानी है। चलो चलो, शाबाश, हिम्मत करो। अम्मा को बुला दो। कुछ पता लगा? अजय आगे पूछ। देख यार क्या कर रहा है ये, इनको देख। नहीं यार, इससे पूछ जरा। भजन यार, एक लड़का है सफेद शलवार कुर्ता और शेव है गोरा सा है, यहाँ पे होता है क्या? भाई मुझे नहीं पता। चल यार आगे देख। यार राजा, तू एक काम कर, तू घर जा यार, मैं इंतजार करता हूँ, क्या पता मिल जाए। अबे हो सकता है घर चला गया हो। तू एक काम कर, तू सुबह जल्दी आ जा। ओ हेलो, हेलो अनवर भाई जान, आप ही थे ना जो सुबह सुबह के वक्त एक आंटी और एक लड़की के साथ गए थे? मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ बस, आपने जहाँ उन्हें उतारा था ना, हमें भी वहीं छोड़ दो। आओ बैठो। अच्छा राजा,
बीजू को पैसे पहुंचा दिए? जी, मगर आइंदा इतने कम पैसों में काम नहीं करेगा। उस कंजर के नाम अपनी पूरी जायदाद करवा दूं? 5-10 हजार बढ़ा दें। बीजू से होशियार गोरखा हमें नहीं मिलेगा। पहले ही मुफ्त का बहुत पैसा ले चुका है हमसे। साल में एक या दो मरतबा तो उसकी जरूरत पड़ती है। अल्लाह का करम है, हमारा काम तो आंखें बंद करके हो जाता है। अल्लाह का वाकई बहुत करम है आप पर, उसने आपके पैरों में शफा दी। अच्छा बोले, शफा दी है, लेकिन आज की जो लड़की है ना, वो कमज़ोर है और टाइम भी ऊपर हो चुका है। आप बेफिक्र होकर अपना काम करें, मेरी पूरी तैयारी। पैसे लाई हो? इसे ड्रॉअर में डाल दो। वैसे नाजो ने पूरी बात समझा दी है ना तुम्हें? उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना? तुम तो कह रही थी कि जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है। औलाद तो है, एक ही बेटी है मेरी, तो बच्ची पे नजर रखनी थी ना। औरत तो एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन है, बटन ऑन और बच्चे टपकने लगते हैं। गलती हो गई, बहुत भरोसा था कि मेरी औलाद कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारा सर नीचा हो। अब दुआ करो कि तुम्हें इस गलती की सजा ना मिले। वैसे जान को तो खतरा है, लेकिन मैं ये 10-12 साल से ये काम कर रही हूँ। बहुत शिफा दी है अल्लाह मियां ने मुझे। तो क्या आप ऑपरेशन करेंगी? नहीं, मैं ऑपरेशन के बगैर काम करती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, इसको उठाने का इंतजाम कर लेना, वरना 1,00,000 रुपया अलग से रखना। भाई साहब, कुछ उन्होंने बताया था कि किसके पास जा रही है? बिल्कुल चुप थी वो दोनों, बस वो लड़की। वो लड़की कुछ कह रही थी क्या? वो रक्षे के शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया। जो कुछ सुनाई दिया था वही बता दो। कह रही थी कि शादी कर लेगा। देखे भाई, मुझे देर हो रही है, मुझे और भी सवारियां पकड़नी है। अभी इतने ही है मेरे पास। यार, हो सकता है किसी रिश्तेदार के पास आई हूँ। नहीं राजा, राजा मेरा दिल नहीं मान रहा है। राजा, कुछ बुरा होने वाला है। अच्छा चल, देखते हैं क्या सीन।
बोल, कलमा सुनाओ मुझे।